हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग एसएमएस इंडिया। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली आपको अगर एक बिजनेसमैन है या अभी एक बिजनेस रन कर रहे हैं या आप एक स्टार्टअप हैं, तो आपके लिए डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कि अगर आपको आपका किसी का कोड भेजना है, आपको फ़ोन नंबर चाहिए, तो ये सब चीज़ आप कैसे अरेंज कर सकते हैं फ्री में। जी हाँ, फ्री की मैं बात कर रहा हूँ। पेड टूल में अगर आप जाएंगे तो आप फेसबुक एड स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, गूगल एड स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, या पेपर में आप ऐड दे सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो पेड मार्केटिंग के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, या लीड जनरेट करने के लिए जो डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है वो आप जनरेट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कुछ टूल की मदद से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, लीड के लिए डेटाबेस जनरेट कर सकते हैं। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड स्ट्रेटजी, गूगल एड स्ट्रेटजी, ऑटोमेशन टूल से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जो आपके और आपके क्लाइंट के बिजनेस को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने नोट पैड के एक फाइल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लिखा है। दोस्तों, ये एक स्ट्रिंग है जो हम गूगल में फायर करेंगे, जिससे हम कुछ डेटाबेस एक्सट्रैक्ट करेंगे एक एक्सटेंशन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं ये टाइप कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग इन टेक्स्ट, देन मेरे को जीमेल की अगर ईमेल आईडी निकालना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया @gmail.com। इसके बाद क्या कीवर्ड पे मेरे को कंटेंट निकालना है और किस सिटी का मेरे को कंटेंट निकालना है, तो मैं क्विकली इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पे, मैं जाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ जीमेल। तो ये मैंने जीमेल ओपन कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये वाली जो क्वेरी है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने टाइप किया है या पेस्ट किया है इन टेक्स्ट @gmail.com, देन कीवर्ड, देन सिटी। तो कीवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने कीवर्ड डाल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, और मेरे को ये किस सिटी में देखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं भोपाल का हूँ, तो मैं भोपाल का देख लेता हूँ कि भोपाल में कुछ है कि नहीं है, एंड देन आई हिट एंटर। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ डेटाबेस आया है। अब यहाँ पे जिस ईमेल, जिस सर्च रिजल्ट के अंदर अगर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होगा तो वो हमारा सिस्टम एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब वो कैसे करेगा, उसके लिए हमें अगेन मैं एक नए टैब पर चला जाता हूँ। अब आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप बुकमार्क टूल्स में चले जाइए, देन आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर 3 बार देखेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको सबसे नीचे बॉटम में ओपन क्रोम वेब स्टोर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करिए। देन आपको सर्च दी स्टोर में जाके आपको एक एक्सटेंशन है, वो है ईमेल एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये इस पर आपको क्लिक करना है। अब ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड करके रखा है, ऐड करके रखा है, यहाँ पे आप देखिए ये एडिट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर सिर्फ ऐड टू क्रोम करना है, और ऐड टू क्रोम करने के बाद ये आपकी इस बार में इस तरह से आइकॉन शो होगा और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है ईमेल एक्सपोर्टर को ऐड करने का। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं जहाँ पे हमने वो क्वेरी फायर की थी, जहाँ पे हमने सर्च के लिए डेटा निकाला था। तो हमने क्या किया था कि हमने ये लिया था। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है कि @gmail की जगह आपको अगर याहू की ईमेल आईडी निकालना है तो आप याहू भी डाल सकते हैं, @ आप जिस भी डोमेन का निकालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ डाल कर रखा है इन टेक्स्ट कॉलन @gmail.com, देन डबल कोट के अंदर मैंने कीवर्ड डाला है। डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे उस टर्म को सर्च करता है। तो मैंने लिखा वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, देन स्पेस मैंने दिया भोपाल, और ये मेरे को डेटाबेस आ गया है। अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सपांड करेंगे, क्योंकि जो इस पेज पे जो सर्चेज हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं आई होंगी, तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे। हमको क्लिक करना सेटिंग्स पर, देन सर्च सेटिंग पे हम लोग जाएंगे। देन यहाँ पे आप देखिए कि जो सर्च रिजल्ट पर पेज आ रहा है वो है 10, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। 100 करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसको सेव कर देता हूँ। Your preferences have been saved. Okay. मेरे को बताना पड़ेगा गूगल को कि मैं रोबोट नहीं हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मेरे एक पेज में ये काफ़ी सारा डेटा
आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्विकली, मैं एक बार इसको फिर से फायर कर देता हूँ। तो बहुत सारा डेटा इसके अंदर आ गया। अब हमें जाना है हमारा इस प्लगइन जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मेरे को 38 फ़ोन नंबर्स मिल गए हैं एंड मेरे को 8 ईमेल आईडी मिल गई हैं। ये ईमेल डेटा आप यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके की मार्केटिंग करने के लिए, अगर आपको लगता है आपको करना है तो, या आप टेलीफोन नंबर्स पर कॉलिंग भी करवा सकते हो जो लोग करते हैं। दूसरा, अब आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको सिंपल एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एंड देखिए ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है और यहाँ पे आप देखिए कि ईमेल आईडी आ गई है और यहाँ पे उनका नंबर भी आ गया है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए ये काफ़ी अच्छा टूल है, आप यूज़ करिए। अगर आप स्टार्टअप है तो डेफ़िनेटली आपको तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके का डेटा आपको मतलब कम है, तो आपको फिर पेड टूल आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप स्टार्टअप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप ये इस यूनो क्वेरी के थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस या डेटाबेस जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एज मच यू कैन शेयर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।